सो गाइस जो ऑफर का टाइम है वो हो चुका है स्टार्ट। अमेज़न की तरफ से आने वाला है ग्रेट इंडियन सेल और 16 अक्टूबर को आने वाला है जिसके पास प्राइम मेंबरशिप है, और 17 को आएगा जो नॉर्मल यूजर है, जो कि नॉर्मल आम जनता है जैसे कि हम। इस वीडियो में 10 to 30,000 तक का मैं मॉनिटर बताने वाला हूँ, लेकिन ऐसा वैसा मॉनिटर नहीं है भाई, बहुत ही ज्यादा फिल्टर होते 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 8 मॉनिटर मेरे को पसंद आया, 5 हो गया, 5, 6, 7, 8 मॉनिटर मुझे पसंद आया, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोफेशनली फॉर फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या ध्यान में रख के फिल्टर किया वो सुनो भाई। 4K मॉनिटर, 2K मॉनिटर एंड QHD मॉनिटर आपको देखने को मिलेगा, VA पैनल देखने को मिलेगा, IPS पैनल देखने को मिलेगा, आपको 1 ms का रेस्पॉन्स टाइम देखने को मिलेगा। जो मॉनिटर का साइज है वो 27 inches से लेके भाई 32 inch तक का मॉनिटर होगा, इससे छोटा भी नहीं होगा, इससे ऊपर बड़ा भी नहीं होगा इसमें। और आपको कर्व मॉनिटर देखने को मिलेगा, फ्लैट मॉनिटर देखने को मिलेगा, 144 Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा एंड कलर कैलिब्रेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज इस सारे लिस्ट में फिट होता है, और सस्ता से लेकर 10,000 से लेकर 30,000 तक का रेंज में आप मॉनिटर ले सकते हो। अगर आप यूट्यूबर हो, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप या फिर आप गेम खेलना चाहते हो, तो ये सारे के सारे मॉनिटर में से आपको एक तो कोई पसंद आएगा। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हो टेकी अनबॉक्सिंग चैनल को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना, इस वीडियो को छोटा सा लाइक करो, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे आके कमेंट कर दो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यूजर नेम है टेकी अनबॉक्सिंग। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यहां पे जितना भी मॉनिटर मैं आपको दिखाऊंगा सारा का सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, अगर आपको परचेस करना है तो आप वहां से परचेस कर सकते हो, आपको जेन्युइन मॉनिटर मिलेगा। जो सबसे पहला मॉनिटर है वो है BenQ 27 इंचेस का, यहां पे आपको स्लिम देखने को मिलता है, यहां पे आपको फुल HD देखने को मिलता है, आपको यहां पे IPS पैनल देखने को मिलता है, यहां पे आपको VGA HDMI, यहां पे डिस्प्ले पोर्ट आपको दिखता है, यहां पे ऑडियो पोर्ट आपको देखने को मिलता है, यहां पे आपको इनबिल्ट स्पीकर मिलता है। तो मैं एक चीज पहले बता देता हूं, यहां पे मैंने जितना भी मॉनिटर आपको दिखाना है वहां पे कोई भी मॉनिटर पे आप स्पीकर पे विश्वास मत करना, थर्ड क्लास स्पीकर आपको मिलता है इंटरनल, ठीक है। और ये वाला जो मॉनिटर है मैंने पर्सनली यूज किया, मेरा एक दोस्त का है, तो यहां पे देख सकते हो लुक वाइज उतना अच्छा नहीं लगे, लेकिन बट फिर भी बेजलेस है, जितना मेरा बेजलेस है उतना सेम इसका भी है, और यहां पे आप देख सकते हो काफी सही सा मॉनिटर एंड प्राइस टू वर्थ है। और यहाँ पे प्लस पॉइंट ये कि इसको आप वॉल माउंट कर सकते हो, एक चीज अच्छा लगता है सारे मॉनिटर आप वॉल माउंट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इस मॉनिटर को वॉल माउंट कर सकते हो। 6,368 यहाँ पे रेटिंग दिया गया है, इसका जो फिलहाल जो MRP है वो है 16,990 रुपीज, यहाँ पे आपको अभी मिल रहा है 13,906 रुपए, लेकिन मैंने आपको बताया कि भैया 10,000 से स्टार्टिंग है, तो ये भाई सेल में डिस्काउंट में आने वाला है, वो कैसे वो भी मैं बताता हूँ। सो यहाँ पे देखो बाय हटके की तरफ से जो प्राइस ग्राफ है, So, ये सबसे जो लो प्राइस आया है वो है 99,990 रुपीज, और यहाँ पे 2 से 3 दिन के चांसेस है कि भैया नहीं घटेगा दाम, लेकिन अगर जैसे मैं करता हूँ क्लिक इन अ वीक तो 100% चांस दिख रहा है प्राइस घटने का, तो ये 10,000 में आ जाएगा। जिसको भी लेना है भाई वेट करो सेल का, और लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके परचेस कर लेना। जो अपना दूसरा मॉनिटर है वो है SR के तरफ से, SR 31 inch का मॉनिटर कर्व डिस्प्ले के साथ। सबसे पहले मैंने यही मॉनिटर को ऑर्डर किया था, लेकिन भैया इस मॉनिटर में एक पंगा हो गया, सब कुछ ऑर्डर करने के बाद मालूम चलता है कि ये VA पैनल ना, इसमें IPS पैनल है, यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, उसके वजह से मेरे को इसको कैंसिल करना पड़ा 31.5 inch का। और ये जो सेम मॉनिटर मेरे पास है सेम इसका साइज भी 31.5 inches का है, और यहाँ पे देख सकते हो तो कर्व डिस्प्ले है, और जैसा ये कर्व है सेम आपको ये भी मिलेगा, यहाँ पे आपको फुल HD देखने को मिलता है यहाँ पे। और कुछ स्पेक्स का बात करता हूँ, यहाँ पे आपको एक HDMI पोर्ट और एक VGA पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 4 ms का रेस्पॉन्स टाइम मिलेगा, यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, फुल HD देखने को मिलता है, यहाँ पे व्यूइंग एंगल है, फ्लिकरलेस है, और यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर आपको देखने को मिलता है, और इस मॉनिटर को आप वॉल माउंट नहीं कर सकते हो, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और यहाँ पे देख सकते हो 202 जन ने रेटिंग दिया है, और प्राइस ग्राफ का अगर हम लोग बात करें तो प्राइस ग्राफ देखते हो तो अभी बहुत ज्यादा सस्ता में चल रहा है, बिकॉज इस मॉनिटर को आप देखो 30,000 तक में भी सेल हुआ है, और सबसे लो गया भैया 15,500 रुपया, और सबसे हाई गया 18,000 समथिंग। अगर मैं देखूं डिस्काउंट इन अ वीक तो यहाँ पे देखो भैया डिस्काउंट इन अ वीक नहीं आने वाला, अभी इसमें डिस्काउंट नहीं आएगा इसका मतलब, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। जो अपना थर्ड मॉनिटर है वो है SR के तरफ से, ये जो सेम मॉनिटर मैं यूज कर रहा हूँ ये सेम मॉनिटर है SR ED3 22QR 31.5 inches का कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, फुल HD है, और आपका जो VA पैनल है 144 Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है, 2 HDMI पोर्ट आप लगा सकते हो, स्टीरियो स्पीकर है, और ये
सब आपको देखने को मिलता है। इसका जो प्राइस है 19,000 रुपया और यहाँ पे 44 लोग जन ने रेटिंग दिया है एंड मेरा मानो तो मुझे बहुत पसंद आया ये मॉनिटर। और यहाँ पे आपको 4 ms का आपको रेस्पॉन्स टाइम देखने को मिलेगा। प्राइस ग्राफ का अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफी ऊपर नीचे है, 25,000 से सीधा फिर ये 19 आया और सबसे लो आया भैया 17,000 में भी ये मॉनिटर बिका है। और देखिए भैया 2-3 दिन में प्राइस घटेगा कि नहीं घटेगा, तो 41% चांसेस है कि प्राइस इसका घट सकता है ये ऑफर के अंदर में, तो ये भी ग्रैब कर सकते हो। ये मॉनिटर मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ तो मेरे को पता, भाई पर्सनली के हिसाब से बताऊं तो बहुत सही मैं यूज कर रहा हूँ। लगभग 1.5 महीना हो चुका है इस मॉनिटर को यूज करते हुए। अगर आपको अनबॉक्सिंग वीडियो देखना तो यहाँ, नहीं तो यहाँ पॉपो का जाकर चेकआउट कर लेना। जो अपना फोर्थ मॉनिटर है वो है सैमसंग 27 इंचेस का कर्व बेजललेस मॉनिटर, जिसमें आपको फुल HD देखने को मिलता है, VA पैनल देखने को मिलता है, VGA देखने को मिलता है, HDMI देखने को मिलता है, ऑडियो पोर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे हेडफोन पोर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे लुक्स वाइज देख सकते हो काफी सही लग रहा है। ये धर्मेंद्र सर भी यूज करता है माई स्मार्ट सपोर्ट। और इसका जो भाई रेटिंग देख सकते हो 520 लोग ने रेटिंग किया है और यहाँ पे 21,400 में ये मॉनिटर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 4 ms का रेस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको 60 Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है। तो बस यही है। और ये बाय द वे कर्व डिस्प्ले वाला मॉनिटर है तो लुक वाइज भी आप देख सकते हो काफी सही है। जो अपना भैया फिफ्थ मॉनिटर है वो है भाई LG का अल्ट्रा गियर 27 इंचेस का IPS फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको HDR10 देखने को मिलता है। गेमिंग मॉनिटर है विथ डिस्प्ले पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट देखने को मिलता है। आप इसका हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हो, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप नॉर्मल मॉनिटर को टिल्ड कर सकते हो लेकिन इसका आपका हाइट भी आपका एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 144 Hz का रिफ्रेश रेट है एंड यहाँ पे आपको 1 ms का रेस्पॉन्स टाइम मिलता है, तो गेमिंग में आपको फार वाला मजा आ जाएगा। और यहाँ पे लुक वाइज भी आप देख सकते हो काफी कूल लग रहा है मॉनिटर। और 801 जन ने इसको रेटिंग किया और यहाँ पे देख सकते हो जो अभी मिल रहा है 22,968 रुपीज में। अगर प्राइस ग्राफ का अगर हम लोग बात करते हैं तो भैया प्राइस अभी स्टेबल है और ये 21,000 तक में आया है लास्ट। और अगर बात करें डिस्काउंट का तो नो डिस्काउंट आपको मिलने वाला इस ऑफर में इस मॉनिटर के ऊपर। अब अपना जो नेक्स्ट मॉनिटर वो है Q28 inches का UHD 4K डिस्प्ले के साथ आएगा और यहाँ पे आपको 1 ms का रेस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है। और ये एक गेमिंग मॉनिटर है, ऑब्वियसली भाई जिसमें भी 1 ms होता है वो गेमिंग मॉनिटर ही हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, DP पोर्ट है यहाँ पे, तो इस मॉनिटर को आप वॉल माउंट कर सकते हो एंड लुक के हिसाब से अभी आप देख सकते हो कि लुक्स काफी मस्त है देखने को। मॉनिटर को थोड़ा सा ओल्ड फैशन आपको लग सकता है लेकिन प्राइस टू वर्थ है ये BenQ का जितना भी मॉनिटर मैं इस वीडियो में रिकमेंड आपको करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो 1694 जन ने इसको रेटिंग किया, ये मॉनिटर आपको देखने को मिलता है 23,000 में से 10 रुपया कम। अगर प्राइस ग्राफ का बात करें तो रेट काफी स्टेबल चल रहा है सेम प्राइस में और इससे ज्यादा ये कम भी नहीं होगा। मतलब ये लास्ट प्राइस आया 22,490 रुपीज। अगर ये बात करें डिस्काउंट का तो भैया ये ना आने वाला डिस्काउंट में, अगर चाहिए तो ऐसे ही ले लो आप। और अपना जो नेक्स्ट मॉनिटर है वो है Lenovo 27 inches का QHD IPS पैनल के साथ आता है और यहाँ पे आप देख सकते हो मस्त बेजललेस वाला टाइप मॉनिटर है। सॉरी यहाँ पे एजलेस बोला हुआ है, मतलब साइड वाला। और यहाँ पे देख सकते हो 16.9 एस्पेक्ट रेशियो, 75 आपको इसमें रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 4 ms आपको रेस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है, AMD है एंड यहाँ पे आपका आइस कम्फर्ट करके कुछ आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे मॉनिटर देखने को काफी मस्त दिखता है, यहाँ पे स्टाइल वगैरह लुक वगैरह में बहुत किलर है। और यहाँ पे इस मॉनिटर को आई थिंक आप वॉल माउंट नहीं कर सकते हो। इस मॉनिटर को टोटल 32 जन ने रेटिंग दिया और यहाँ पे जो प्राइस है 24,703 रुपीज है। इस मॉनिटर को मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, बस दिखने को बहुत अच्छा लुक है लेकिन इसमें आपको 75 रिफ्रेश रेट हर्ट मिलता है आपको ना, इसमें आपका MS टाइम अच्छा है, ठीक है, QHD है, IPS पैनल आपको देखने को मिलता है, एवरेज काम आपका निकाल देगा अगर नॉर्मल अगर ऑफिस का काम वाम करते हो, लुक वगैरह आपको अगर मैटर करता है तो इस मॉनिटर के साथ आप जा सकते हो। लेकिन ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा गेमिंग के लिए, तो बिल्कुल नहीं करूंगा। और थोड़ा मोरा वीडियो एडिटिंग कर सकते हो या फिर फोटोशॉप ज्यादा अच्छा कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। एंड जो अपना दूसरा मॉनिटर है वो है भाई SR की तरफ से आने वाला 32 इंच का मॉनिटर है, फुल HD कर्व डिस्प्ले वाला VA पैनल के साथ गेमिंग मॉनिटर है और यहाँ पे आपको HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, DVI पोर्ट देखने को मिलता है, 4 ms का रेस्पॉन्स टाइम है, तो गेमिंग में उतना मजा नहीं आएगा लेकिन बोलता भैया ये गेमिंग मॉनिटर है। यहाँ पे आपको 144 Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है एंड मॉनिटर दिखने में वाकई में काफी अच्छा लगता है, गेमिंग गेमिंग टाइप लगता है। और इसके अलावा तो इस मॉनिटर में कुछ खास नहीं लगा, गेमिंग के लिए सही है
है, लेकिन भैया ये लोग इससे अच्छा तो बैन क्यों ले सकते हो, इससे सस्ता में भी है और इसमें आपको 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। और बस ये कि साइज 27 inches का, ये आपका 32 inch का है और ये आपका कर्व है वो आपका फ्लैट है, तो इतना का थोड़ा मोरा डिफरेंस है, आप देख लेना भैया आपको कैसा चाहिए लुक चाहिए कि आपको काम निकालना है अपना। और यहाँ पे दूसरा मॉनिटर का हम लोग देख रहे हैं, तो LG का QHD आपको मॉनिटर है, 32 इंच का IPS पैनल है इसमें, 3-साइड बेजलेस बोलता तो है लेकिन भैया हमको जहाँ तक फोटो देख के लगता है हमारा जितना है उतना ये भी है। और यहाँ पे अगर दूसरा चीज़ हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको sRGB आपको 99 देखने को मिलता है, इसमें आपको AMD देखने को मिलता है, डुअल HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, इसको आप वॉल माउंट कर सकते हो, आई थिंक सो ये जो पार्ट है वो आपका निकल गया और ये वॉल माउंट हो जाएगा। कुछ और स्पेक्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कलर कैलिब्रेट करके मिलेगा, डुअल कंट्रोल है माउस का, गेमिंग मोड है एंड यहाँ पे आपको 2 HDMI पोर्ट है, यहाँ आप टिल्ट कर सकते हो, तो यही कुछ कुछ आपको देखने को मिलता है। टोटल 29 लोग ने रेटिंग किया जिसका प्राइस है 26,230 rupees। एंड अगर इसका प्राइस ग्राफ का अगर बात करता हूँ तो भैया प्राइस जो है अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, 28 में मिल रहा था और हाल फिलहाल ही जो इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है और लास्ट ड्रॉप हुआ है 24,733। अगर देखे भाई कुछ दिन में प्राइस जो है वो ड्रॉप नहीं होगा, तो आपको अगर लेना है तो इसी प्राइस रेंज में लेना होगा। अब जो अपना जो दूसरा मॉनिटर है वो है LG का 27 इंच का 4K UHD डिस्प्ले के साथ आने वाला है HDR10 मॉनिटर, गेमिंग डिजाइन किया हुआ IPS पैनल देखने को मिलता है, 2 HDMI पोर्ट है, डुअल पोर्ट है आपको, डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिलता है, AMD आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पहले से कलर कैलिब्रेट करके देगा, ये एक सही चीज है। यहाँ पे इस मॉनिटर को आप वॉल माउंट कर सकते हो, तो ये बहुत सही चीज लगा मेरे को। 740 लोगों ने इसको रेटिंग दिया, इसका जो प्राइस है 29,502 rupees है और प्राइस ग्राफ का अगर हम लोग बात करें तो प्राइस भी काफी स्टेबल चल रहा है ज्यादा लास्ट टू लास्ट, तो आई थिंक सो ओके 29,502 rupees और यहाँ पे भी सेम प्राइस चल रहा है। डिस्काउंट का बात करें तो आई होप सो डिस्काउंट तो नहीं आएगा बिकॉज लास्ट प्राइस इतना ही गिरा है और अभी वही प्राइस चल रहा है। सो अगर आपको यहाँ से कोई मॉनिटर परचेस करना तो लिंक है डिस्क्रिप्शन, आप जाके प्लीज वहां से परचेस करें। और आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया, अगर कोई वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना, नीचे कमेंट करना और अगर अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना और मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना बिकॉज वहाँ पे बहुत मस्त मस्त मैं ऑफर देते रहता हूँ। तो अभी पूजा का टाइम आ रहा है, ऑफर वगैरह आ रहा है, तो वहाँ पे मैं सारा ऑफर फिल्टर करता हूँ और वहाँ पे मैं आप लोगों को देता हूँ, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।